को आप चला रहे हैं। और एक चीज खास बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि आप सीएनजी में थोड़ा सा उसका जो है पिकअप कम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं सीएनजी में गाड़ी को खींचता हूँ 3 नंबर गियर में, तो आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो है बजाज की न्यूली लॉन्च बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक के बारे में डिटेल रिव्यू दिया था। अब मैं जो है इसका फाइनली जो है इसका टेस्ट राइड वाला वीडियो ला रहा हूँ। चलने में कैसी गाड़ी है, प्रैक्टिकली तौर पे कैसा आपको पावर मिलने वाला है, कैसा परफॉर्मेंस है, वो सारा चीजें आपके सामने शेयर करने वाला है। जैसे कि आज मेरे सामने आ चुकी है बजाज की फ्रीडम सीएनजी बाइक, और आज हम लोग करने वाले हैं इसका टेस्ट राइड और दिखाने वाले हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फ्रेंड्स, ये है इसका कुछ फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एलईडी में आपको बड़ा सा राउंड शेप का एक हेडलाइट सेटअप देखने को मिलेगा, और जस्ट यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो आपको हैलोजन सेटअप के साथ में जो है इसकी टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है मेटल में इसका मडगार्ड फ्लैप देखने को मिलेगा, और कुछ इस टाइप का आपका इसका व्हील है। बात करें उसके फ्रंट के टायरों का, तो इसमें आपको 17 इंच की एलॉय व्हील देखने को मिलेगा और काफी डिसेंट सा है। और फ्रंट में यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें आपको जो है डिस्क ब्रेक मिलता है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। इसमें आपको कोई एबीएस वगैरह नहीं आती है, बट ओवरऑल इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम वो काफी कमाल का है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इस साइड में, तो इसमें आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, काफी कमाल का है। और ये फर्स्ट इन सेगमेंट अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इसमें आपको मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम मिलता है, जिसका जो है शॉक एब्जॉर्बर काफी कमाल का। और सबसे जो खास बात है ना, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी सीट है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लोग बहुत बेसिकली आराम से बैठ सकते हैं। इसके बनाने का मकसद क्या है कि अगर जैसे कि यहाँ पे 2 लोग बैठते हैं, उसके अलावा जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो यहाँ पे इजिली बैठा सकते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर जो है सीटिंग दिया गया है। फाइनली मैं जो इसका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे बना रखा है, अगर आप ये वाला वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो वहाँ पे जाके इसका डिटेल रिव्यू देख सकते हैं। वहाँ पे मेरा जो है फुल्ली इसका डिटेल रिव्यू मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है। चलिए फटाफट इसका देर ना करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा, और सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके गियर वगैरह सारा कुछ इसमें शो होती है। तो सबसे पहले मैं इसको न्यूट्रल करता हूँ, तो ये न्यूट्रल हो गई और यहाँ से इसका बाइक को स्टार्ट कर लिए। एक चीज़ खासियत क्या रही, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे ये सीएनजी से भी आप इसको डायरेक्टली जो है स्टार्ट कर सकते हैं, पेट्रोल में करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको दोनों ही पेट्रोल से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फटाक से मैं इसका 1 नंबर गियर लगाता हूँ और यहाँ से कुछ गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ाने के बाद 1 नंबर में जो है पिकअप आपको अच्छा मिलता है। 125 सीसी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया जो है इसका फ्रंट जो है पिकअप आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप रोड देखेंगे किस हिसाब से ऑफ रोडिंग जो है रोड है। यहाँ पे रोड के कंडीशन आप देख सकते हैं, जो सस्पेंशन सिस्टम है काफ़ी कमाल का है। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है, और जो इसका हैंडल बार है काफ़ी लॉन्ग है, देख सकते हैं काफ़ी वाइड है, तो जो इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी आराम मिलेगा आपको सिटी में अगर आप ड्राइव करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं 3 नंबर गियर में चला रहा हूँ, और जो पिकअप के मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया पिकअप आपको मिलने वाला है। 125 सीसी के सेगमेंट में आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप किसी 125 सीसी के सेगमेंट को आप चला रहे हैं। और एक चीज़ खास बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का मिथ रहता है कि आप सीएनजी में थोड़ा सा उसका जो है पिकअप कम मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं सीएनजी में गाड़ी को खींचता हूँ 3 नंबर गियर में, तो आप देख सकते हैं मुझे अच्छा खासा जो है इसका पिकअप मिलने वाला है। और जैसे ही मैं इसका शिफ्ट करूँगा, इसमें आपको टोटल 5 गियर मिलता है, और काफ़ी कमाल का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अमेजिंग लगा, आप अपने स्क्रीन पे देखा इसका जो है पावर फिगर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। डेफिनेटली अगर आपको बाइक लेना है तो आप इसको ले सकते हैं। 125 सीसी में मोस्ट अफोर्डेबल बाइक आपको मिलने वाला है, और साथ ही साथ कम्फर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास मुलाकात हमारी बजाज की तरफ से आने वाली बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक के साथ। अगर आपको ये गाड़ी परचेस करना हो तो फटाफट जो है आप मेट्रो बजाज आ सकते हैं। इसकी एड्रेस जो है मटकुरिया धनबाद झारखंड में है। मैं प्रॉपर इसका एड्रेस विथ फोन नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि अगर आपको ये बाइक को परचेस करना है तो आप बेशक वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारा इसके खास मुलाकात बजाज की तरफ से आने वाली बजाज फ्रीडम सीएनजी बाइक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप भी ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल एक्सप्लोर ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। यहाँ हम लाते आपके लिए हर नई और चर्चित गाड़ियों का डिटेल रिव्यू, जो आपकी अगली गाड़ी को पसंद करने में काफी हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी जबरदस्त रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।